आखिरकार जीएसटी काउंसिल ने देश भर में जीएसटी लागू करने की एक बड़ी बाधा पार कर ली है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चार स्तरीय कर ढांचे पर मुहर लगा दी है, जिसके तहत पूरे देश में 5, 12, 18 और 28 फीसदी की चार दरें लागू होंगी। इन दरों के लागू होने के बाद उत्पादों पर क्या असर पड़ेगा, ये जानते हैं इस रिपोर्ट से। केंद्र सरकार की ओर से जारी जीएसटी के चार स्लैब की दरों में इस बात का ध्यान दिया गया है कि आम आदमी की जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़े। एक तरफ जहां खाद्यान्न समेत आम इस्तेमाल की आधी चीजों पर जीरो टैक्स लगेगा, तो वहीं बाकी दूसरे सामानों पर 12 और 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। लग्जरी सामान और तम्बाकू उत्पादों पर 28% टैक्स के अलावा सेस यानी उपकर भी लगेगा। इसके साथ ही इन पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर के अलावा एक और उपकर लगाया जाएगा, जिससे राज्यों के राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। आपको बता दें कि जीएसटी के तहत देश के सभी राज्यों में वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर लगाया जाएगा, यानी वेट, एक्साइज और सर्विस टैक्स की जगह एक ही टैक्स लगेगा। अब आपको बताते हैं कि ये दरें लागू होने के बाद कौन से उत्पाद सस्ते होंगे और कौन से महंगे। जीएसटी की नई कीमतें जारी होने के बाद चाय और जैम की कीमतों में कमी हो सकती है। मोबाइल की कीमतों पर भी टैक्स की दरें घटेंगी। इसके अलावा खाने वाले तेल, मसाला, कॉफ़ी आदि पर अभी 9% टैक्स लगता है, जबकि इन चीज़ों के लिए जीएसटी की दर 5% रखी गई है। वहीं टीवी, फ्रिज, तेल, साबुन, शेविंग किट, छोटी कार आदि भी सस्ते होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतें भी सस्ती हो सकती है। लेकिन अगर बात ब्रांडेड टूथपेस्ट, साबुन की हो या फिर बड़ी गाड़ियों की, सरकार का रुख साफ है कि लोगों को अब लग्जरी पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ ही सिगरेट, पान मसाला, लग्जरी कार, एलईडी टीवी, हाईटेक साइकिल, बोतल बंद पानी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक आदि वस्तुओं पर जीएसटी की मौजूदा दरों में और बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं सोने पर 4% की दर से जीएसटी लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन फिलहाल ये प्रस्ताव टाल दिया गया है। बहरहाल माना जा रहा है कि जीएसटी के कर ढांचे से केंद्र और राज्य सरकारों का राजस्व बचेगा और साथ ही महंगाई पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। देखते रहिए डीबी लाइव।